हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज का टॉपिक्स है टीथिंग ट्रबल्स इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे में दांत निकलते समय जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बच्चे में होने वाले दांत का जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि बच्चे को दांत निकलने समय जो परेशानियां होती है उसके बारे में पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को धैर्य से सुनो एवं शुरू से अंत तक पूरी गहनता से देखें और सुने, और जो मेडिसिंस है उस मेडिसिंस के बारे में आप लाभ उठाएं। तो जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, एक निश्चित उम्र के अनुसार दांत निकलना शुरू होती है, और जब दांत निकलना शुरू होती है तो उस समय बच्चे में परेशानियां पैदा हो जाती है। बहुत से बच्चे को फीवर आ जाती है, बहुत से बच्चे को लूज मोशन यानी कि पतले पैखाने की शिकायत होती है, उस बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाती है, तो बीपिंग का शिकायत भी रहती है, यानी कि बच्चा ज़्यादा रोने का शिकायत होती है। तो इन सभी केसों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको टीथिंग ट्रबल्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को दांत निकलते समय जो परेशानियां पैदा होती है उसके बारे में मैं होम्योपैथिक मेडिसिंस बताने जा रहा हूँ, और उस मेडिसिंस लक्षण के अनुसार आप चलाए तो जो परेशानियां हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और बच्चे स्वस्थ होते हैं और बच्चे आसानी से खेलते रहते हैं। जब दांत निकलते हैं तो बहुत से बच्चे में फीवर आ जाती है, चिड़चिड़ा रहती है, खाना पीना बंद कर देता है, और बच्चे हमेशा माँ के गोद में रहता है, यानी कि वो घुमाने टहलाने के लिए जिद करते रहता है, और बच्चे को खेलने के लिए कोई भी वस्तु देते हैं तो बस वस्तु ले तो लेता है लेकिन वो खेल नहीं पाता है और उसे तोड़ देता है या बिक देता है। तो इन सभी को केस को ध्यान रखते हुए मैं उसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम इस केस के लिए कैमोमिला 30 नंबर की एक दवा मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को दांत निकलते समय बच्चे में चिड़चिड़ापन का लक्षण ज़्यादा हो और बच्चे हमेशा गोद में रहना पसंद करता है, अगर किसी वस्तु के मांग करता है तो उस वस्तु देते हैं, उसके हाथ में खिलौना देते हैं तो खिलौना बिक देता है और बहुत चिड़चिड़ा रहता है, उस अवस्था में आप उसे कैमोमिला 30 नंबर की दवा दिन भर में 3 बार दें। अगर किन्हीं बच्चे को दांत निकलते समय लूज मोशन यानी कि पतले पैखाना होने की शिकायत है, तो अगर पैखाना का कलर ग्रीन और येलो मिला हुआ आता है तो इस अवस्था में उस बच्चे को आप पल्सर टीला 30 नंबर के दें और ईपी काक 30 नंबर के दवाई चलाएं। ये दोनों पर्याप्त क्रम से 3-3 घंटे के अल्टरनेट पर यानी कि बदल करके आधे चम्मच पानी में 2-2 बूंदें, तो बच्चे को जो कंप्लेन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ बच्चे में फीवर आने की शिकायत रहती है और लूज मोशन की भी शिकायत होती है, तो अवश्य केस में लक्षणानुसार अगर फीवर ज़्यादा है और चिड़चिड़ापन का भी भाव ज़्यादा रहती है तो बेलाडोना 30 नंबर की दवा दें और एंटीम क्रूड 30 नंबर की दवा, दोनों पर्याप्त क्रम से 3-3 घंटे के अल्टरनेट करके यानी कि बदल करके दें, तो जो बच्चे में फीवर का शिकायत है और चिड़चिड़ापन का शिकायत है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर किन्हीं बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो गया है, दांत निकलते समय गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है और पेट गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है और पैखाना पिचकारी जैसा होते हैं, तो उस अवस्था में उस बच्चे को
एलोज 200 नंबर की दवा और पोडोफाइलम 30 नंबर की दवा चलाएं। और तो ऐसा केस जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और होम्योपैथिक में बायो कॉम्बिनेशन 21 यानी कि इक्कीस नंबर की दवाइयाँ आती है, उसे आप दो दो गोली तीन बार चलाएं। इससे भी आपको दांत निकलने के समय जो परेशानियाँ पैदा है होती है, या जो चिड़चिड़ापन का भाव है, लूज मोशन का शिकायत है, फीवर का शिकायत है, वो ठीक हो जाती है। ये बायो कॉम्बिनेशन 21 नंबर की दवा है, इसे आप दो दो गोली तीन बार चलाएं और जो दांत निकलने का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ फीवर और चिड़चिड़ापन वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और इस ज़्यादा वीकनेस का शिकायत होती है और बच्चे में एनोरेक्सिया का शिकायत होती है यानी कि भूख लगने का शिकायत है, तो उसे होम्योपैथिक में बच्चे को चिल्ड्रंस टॉनिक आती है, उसका नाम बीवी फॉस है। इसे आप एक एक चम्मच तीन बार दें और कंटिन्यू ढाई से तीन महीने तक ये सिरप चलाएं। इससे बच्चे हेल्दी हो जाएंगे और टीथिंग का जो शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ एक एचएल कंपनी का कैल्सीटोन का दवा आती है, वो चूर्ण अवस्था में रहता है, इसे आप दूध में डाल करके तीन बार दें, एक एक चम्मच तीन बार दें। कैल्सीटोन एचएल कंपनी की आती है, इससे भी दांत जल्दी निकल आती है और बच्चे के जो चलने फिरने में भी कठिनाइयाँ पैदा होती है, बच्चा देरी से चलने फिरने का शिकायत मिलता है, इससे भी दूर हो जाती है और बच्चा दो तीन महीने में आसानी से चलने फिरने लगता है और घुसकना बंद हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ा होकर के पूरी तरह से चलना शुरू कर देती है। तो आज का टॉपिक्स जो मैंने बताया, टीथिंग ट्रबल्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये सारा मेडिसिन जो बताया है उससे आप लक्षणानुसार इस मेडिसिन का सेवन करा दें, बच्चे को आसानी से दांत निकल जाएंगे और कोई परेशानी का शिकायत नहीं होगी और आप जो कष्ट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।